हेलो फ्रेंड्स, मैं पी आंसर आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 9th, 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में ऑल ओवर महाराष्ट्र कहीं पे भी पढ़ते होंगे तो उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। आपने भी वीडियो देखे बाद वीडियो को लाइक कीजिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें प्रूव करना है 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू टैन स्क्वायर थीटा। हमने यहाँ पे ये फर्स्ट सब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए इसका हम LHS कंसिडर करते हैं। नाउ LHS इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा, ओके। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं। वैसे हमारे पास कॉस ऑफ 2 थीटा के 4 फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हम दो यूज़ करेंगे। कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का और दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। कॉस ऑफ 2 थीटा का एक फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और दूसरा फॉर्मूला हमारे पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इफ यू रिमेंबर। इस प्रकार के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। यही फॉर्मूले अगर हमने यहां पे यूज किए, देखिए इक्वल्स टू 1 माइनस ये जो कॉस ऑफ 2 थीटा है न्यूमरेटर में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में हम कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ओके। देखिए हम इसे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, पुट कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इन न्यूमरेटर एंड कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इन डिनोमिनेटर, ठीक है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये टर्म्स सब्स्टिट्यूट हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। नाउ देयरफॉर LHS इक्वल्स टू देखिए क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस माइनस साइन से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब यहाँ पे ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास रहेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब ये प्लस 1 इस माइनस 1 के साथ कैंसिल होगा, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। अब देखिए यहाँ का 2 न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर के 2 के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लुक हियर, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका आंसर हमें मिलेगा टैन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टैन थीटा। देयरफॉर व्हाट इज टैन स्क्वायर थीटा, इट इज अवर RHS, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है ना। मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरह से अब हम सेकंड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए सब क्वेश्चन सेकंड, साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x इक्वल्स टू हमें 0 प्रूव करना है, ओके। अब हम LHS कंसिडर करते हैं, साइन 3x प्लस साइन x आउटसाइड द ब्रैकेट साइन x प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू आउटसाइड द ब्रैकेट कॉस x, ओके। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, साइन 3x इंटू साइन x प्लस इस साइन x से साइन x को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन स्क्वायर x, यहाँ पे ये मिलेगा हमें कॉस 3x इंटू कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर x, कॉस x इंटू कॉस x कॉस स्क्वायर x, ओके। अब देखिए इसे लिखते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पहला टर्म लिखेंगे हम कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस एक्स, पहला टर्म हमने ए लिखा है। अब लिखेंगे यहाँ पे हम ये टर्म साइन 3x इंटू साइन एक्स, ठीक है। इन दोनों टर्म को हमने लिखा है साइन 3x इंटू साइन एक्स यहाँ पे लिखा है, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स यहाँ पे लिखा है। फिर इसके बाद लिखेंगे हम माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद लिखेंगे हम लास्ट में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। लुक यार, ये जो चार टर्म ऊपर थे वही टर्म हमने यहाँ पे लिखे, सिर्फ उनको रीअरेंज किया है, साइड नहीं चेंज किया, सिर्फ हमने रीअरेंज किया है। साइन ऑफ 3x इंटू साइन एक्स सेकेंड प्लेस पे लिखा है, कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस एक्स फर्स्ट प्लेस पे लिखा है, साइन स्क्वायर एक्स हमने लास्ट में लिखा है, और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने थर्ड प्लेस पे लिखा है, ठीक है। लुक यार, अगर सपोज इसे हम एसोसिएट करेंगे, मतलब कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन ऑफ 3x इंटू साइन एक्स, ठीक है, इसको हम इकट्ठा करते हैं इन दोनों टर्म को, यहाँ से हम माइनस साइन बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला, हमें पता है। लुक हियर, वी नो दैट इस फर्स्ट टर्म के लिए, वी नो दैट, लुक हियर, अगर सपोज हमने कॉस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिया तो ये मिलेगा हमें कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ओके। देखिए अगर इस टर्म को हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो हमें ए का वैल्यू 3x दिखेगा और बी का वैल्यू x दिखाई देगा, बराबर है। कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ऑफ 3x इंटू कॉस x, 3x x ए बी, और बाद में ए बी 3x x साइन के टर्म तो है, तो इसके लिए हम इस प्रकार का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे a का मतलब 3x है, b का मतलब x है। इसके बाद cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है cos ऑफ 2 थीटा का, cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बराबर है। तो इस cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के लिए अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ मिलेगा हमें cos ऑफ 2x, बराबर है। और यहां पे क्या मिलेगा अगर यूज किया तो cos ऑफ 3x माइनस x, समझ रहे ना आप, 3x माइनस x, क्योंकि a 3x है और b x है। देयरफॉर लुक हियर, LHS इक्वल्स टू क्या रहेगा, LHS इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें cos ऑफ 3x माइनस x माइनस cos ऑफ 2x, ओके। देयरफॉर LHS equals to cos of 2x minus cos of 2x. Cos of 2x minus cos of 2x, it will be 0. बराबर है, मतलब LHS equals to क्या मिलेगा हमें, 0. Therefore LHS equals to RHS. यही हमें प्रूव करना था। हमने जो LHS हमें दिया था वो LHS हमने कंसिडर किया है, और RHS हमें 0 प्रूव करना था। इसे कैलकुलेट किए बाद हमें आंसर 0 मिला है, इसका मतलब LHS इक्वल्स टू RHS रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम थर्ड सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब क्वेश्चन थर्ड में देखिए हमें क्या प्रूव करना है, cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 4 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस y अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे हम LHS कंसिडर करते हैं, LHS इज cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का, क्या है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और इस टर्म के एक्सपेंशन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, cos स्क्वायर x प्लस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई, ठीक है। ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का देखिए इस तरह का फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे, तो यहाँ मिलेगा हमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू
साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ यहां पे लेते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ओके। फिर इस कॉस स्क्वायर वाई के साथ यहां लेते हैं हम ये साइन स्क्वायर वाई। क्या किया हमने, कॉस स्क्वायर एक्स के साथ साइन स्क्वायर एक्स लिया है, कॉस स्क्वायर वाई के साथ साइन स्क्वायर वाई लिया है। अब हमारे पास क्या है, देखिए टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, ठीक है ना। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमें पता है बाय फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज वन, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन लिखते आएगा, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई का वैल्यू भी हम वन लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स है इसका वैल्यू वन, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई है इसका वैल्यू वन, और ये जो लास्ट टर्म हमें दिख रहा है टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस टू साइन एक्स साइन वाई, यहाँ से हम टू बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ओके। सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला यूज किया है। नाउ लुक हियर, वन प्लस वन ये टू मिलेगा हमें, टू प्लस टू। अब इसके लिए हम फॉर्मूला देखिए क्या यूज कर सकते हैं। लुक हियर, हमारे पास फॉर्मूला है कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसके लिए अगर ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहां पे तो क्या मिलेगा फिर हमें, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का वैल्यू हमें मिलेगा कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, समझ रहे ना आप, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ओके। नाउ लुक हियर, यहां से अगर हम टू बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा वन प्लस, ध्यान दीजिए, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, ठीक है, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। नाउ लुक हियर, हमारे पास कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, कॉस ऑफ टू थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ टू थीटा, अगर ये माइनस वन हमने इधर ट्रांसफर किया तो वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, माइनस वन को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो वन प्लस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। अब सपोज देखिए यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिया है, समझ रहे ना आप, मतलब यहाँ पे जितना है उसका यहाँ पे हाफ लिया है। तो उसी प्रकार से अगर हम वन प्लस कॉस थीटा लेते हैं, वन प्लस कॉस थीटा, टू थीटा को हमने हाफ लिया थीटा, वन प्लस कॉस थीटा लेते हैं तो इधर मिलेगा हमें टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू, क्यों, क्योंकि देखिए टू थीटा है तो यहाँ पे देखिए टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा लिया है, अगर थीटा है तो क्या लेना पड़ेगा, थीटा बाय टू। तो इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं, ध्यान दीजिए ये वाला फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं किसके लिए, वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए, कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ओके, वन प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए इक्वल्स टू, लुक हियर, इक्वल्स टू टू इंटू टू फिर कॉस स्क्वायर, ठीक है। व्हाट इज थीटा, नाउ कंपेयर कीजिए, थीटा मतलब कितना, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई
अपॉन टू, समझ रहे ना? इस वन प्लस कॉस थीटा को अगर हमने इसके साथ कंपेयर किया तो थीटा का वैल्यू एक्स प्लस वाई मिलेगा, इक्वल टू क्या लिखते आएगा फिर, टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ध्यान दीजिए, वन प्लस कॉस थीटा मतलब ये वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। क्या है वन प्लस कॉस थीटा? वन प्लस कॉस थीटा है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब यहां पे जो एंगल है यहां पे उसका हाफ लिया है, यहां पे एंगल क्या है एक्स प्लस वाई, उसका हाफ लेना है मतलब एक्स प्लस वाई अपॉन टू। तो वन प्लस कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू बाय दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो ये अगर फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं इसके लिए तो हमें इस टर्म का वैल्यू इस प्रकार से मिलेगा, टू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू। समझ रहे ना आप? टू इंटू टू इट विल बी फोर, फोर कॉस स्क्वायर ऑफ, फोर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू, और यही यहाँ का आर एच एस है, ठीक है ना? तो हमें एल एच एस इक्वल्स टू क्या मिला है, आर एच एस। ओके, देखिए कॉस एक्स प्लस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमने क्या प्रूव किया है, फोर कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन टू। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, सब क्वेश्चन थर्ड जैसा ही, सब क्वेश्चन फोर्थ है। यहाँ पे हमें कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू प्रूव करना है, फोर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू। ओके, नाउ लुक हियर, हम एल एच एस कंसिडर करते हैं। एल एच एस है हमारे पास कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, अब कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर के लिए हम a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं, इसके लिए भी a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपांशन रहेगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई। ठीक है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे भी अगर हम एक्सपांड करते हैं तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर एक्स माइनस टू साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई। ठीक है, अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ओके, फिर इसके बाद कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई, फिर है हमारे पास माइनस टू कॉस एक्स कॉस वाई, फिर इसके बाद माइनस टू साइन एक्स साइन वाई। ठीक है ना, इस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स को हम वन लिख पाएंगे, कॉस स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई को भी हम वन लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन है तो इसका वैल्यू वन मिलेगा, सेकेंड टर्म का वैल्यू भी वन मिलेगा सेकेंड ब्रैकेट का। यहाँ से सपोज अगर हम माइनस टू बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है ना, माइनस टू हमने बाहर लिया है, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ओके, यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, कौन सा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, नाउ दिस इज इक्वल्स टू वन प्लस वन, ये टू मिलेगा हमें, टू माइनस टू इन टू, इसे देखिए हम क्या लिख पाएंगे, ये जो टर्म है हमारे लिए ये टर्म इस प्रकार का है, आपको पता है कॉस ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी, समझ रहे ना आप, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। व्हाट इज ए नाउ, एक्स, बी का वैल्यू भी क्या है, बी का वैल्यू वाई, ए का वैल्यू एक्स है बी का वैल्यू वाई है, तो देखिए ये टर्म हमें क्या मिलेगा, टू लिया हमने, ठीक है, इस ब्रैकेट को अगर हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो ये टर्म मिलेगा, मतलब यहाँ मिलेगा हमें कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से हम अगर 2 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है,
नाउ लुक हियर, ध्यान दीजिए, हमारे पास फॉर्मूला है, देखिए, कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। अगर इस टू साइन स्क्वायर थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं और कॉस ऑफ टू थीटा को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करते हैं तो हमें मिलेगा टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा। चाहे तो हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा, चलेगा, वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे टू थीटा है तो यहाँ पे हमें थीटा मिला है। अगर सपोज यहाँ पे हम थीटा ही लेते हैं, यहाँ पे जितना एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पे लिया है, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे थीटा है तो टू साइन स्क्वायर ऑफ, अब क्या रहेगा, थीटा बाई टू, हाफ हो जाएगा, टू थीटा है तो थीटा लिया है, उसी प्रकार से थीटा है तो थीटा बाई टू रहेगा, ओके। इसका मतलब अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं इस टर्म के लिए, कौन सा फॉर्मूला, वन माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू, अगर ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे यूज करना है, वन माइनस कॉस थीटा का, वन माइनस कॉस थीटा इज टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, तो ये मिलेगा हमें टू इंटू टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, क्योंकि थीटा मतलब कितना है, एक्स माइनस वाई है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू फोर साइन स्क्वायर ऑफ, फोर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था, दिस इज अवर आर एच एस, देयर फोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, ठीक है। कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू हमें क्या मिला है, फोर साइन स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन फिफ्थ तो बहुत ही सिंपल है, हमें टैन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, देखिए टू कोसेक एक्स, ओके। नाउ लुक हियर, हम एल एच एस कंसिडर करते हैं, एल एच एस है हमारे पास टैन एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इस टैन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, पता है हमें टैन एक्स इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, कॉट एक्स इज कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब लेते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इस साइन एक्स से इस साइन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें साइन स्क्वायर एक्स, ओके। इस कॉस एक्स से इस कॉस एक्स को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा हमें कॉस स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में मिला है, अपॉन इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो ये मिलेगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ओके। अब देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स एक्स का वैल्यू हमें मिलेगा वन, क्योंकि बाय इट इज फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी, वन अपॉन क्या है हमारे पास फिर कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, ओके। सिंस लुक हियर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू वन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या है वन, देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू वन मिलेगा। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने क्या किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई किया, यस व्हाट वी हैव डन हियर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को टू से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू टू अपॉन, लुक हियर, देखिए हमारे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ टू थीटा का, साइन ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ टू थीटा, साइन ऑफ टू थीटा इक्वल्स टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका मतलब टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, साइन टू थीटा, यही है टू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स या फिर टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है ना, ये और ये टर्म सेम है।
तो इसका वैल्यू हमें साइन टू थीटा मिलता है, तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा हमें, साइन टू एक्स। ओके, हम इसे लिख सकते हैं टू इंटू वन अपॉन साइन ऑफ टू एक्स, चलेगा। व्हाट इज वन अपॉन साइन थीटा, इट इज कोसेक थीटा। अगर वन अपॉन साइन थीटा है तो कोसेक थीटा लिख सकते हैं, तो वन अपॉन साइन ऑफ टू एक्स है तो कोसेक ऑफ टू एक्स लिख पाएंगे। इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, टू कोसेक ऑफ टू एक्स, ठीक है ना, टू कोसेक ऑफ टू एक्स। ओके, यहां पे हमें क्या प्रूव करना है, सॉरी, टू कोसेक ऑफ टू एक्स है ये। हमें टैन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है, टू कोसेक ऑफ टू एक्स। देखिए वन अपॉन साइन ऑफ टू एक्स, इसको ही हम क्या लिख पाएंगे, कोसेक ऑफ टू एक्स, और ये टू है यहां पे, देयरफोर एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। एल एच एस से हमने स्टार्ट किया था और हम कहां तक पहुंचे हैं, टू कोसेक ऑफ टू एक्स तक। टैन एक्स प्लस कॉट एक्स से हमने शुरुआत की थी और हम कहां तक पहुंचे हैं, टू कोसेक ऑफ टू एक्स। हमें टैन एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल्स टू टू कोसेक ऑफ टू एक्स प्रूव करना है। देखिए यहां पे एक्चुअली हमने क्या किया है, हमें पता है वन अपॉन साइन थीटा रहेगा तो कोसेक थीटा, उसी प्रकार से वन अपॉन साइन ऑफ टू एक्स रहेगा तो कोसेक ऑफ टू एक्स मिलेगा हमें। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस क्वेश्चन में टोटल आपको 19 क्वेश्चंस दिए हैं, 19 क्वेश्चंस है टोटल सब क्वेश्चंस, तो उसमें से आज हमने 5 सब क्वेश्चंस यहां पे प्रूव किए हैं। सब क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, टोटल 5 सब क्वेश्चंस आज हमने यहां पे सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इन्हें यहां पे हमने सॉल्व किया है। हर जगह जहां पे जिस फॉर्मूला, जो भी फॉर्मूला नेसेसरी था वो फॉर्मूला मैंने साइड में आपको लिख के दिया है। बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन मैंने आपके सामने रखा है, फिर भी अगर आपको कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या है, कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर भेजिए। आपका रिएक्शन यहाँ पे मिलना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, आप किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। लाइक भी कीजिए, डिसलाइक करना है तो वो भी कीजिए, ठीक है, लेकिन डिसलाइक करते समय मुझे बताइए क्यों डिसलाइक कर रहे हो, रीज़न क्या है उसका, क्योंकि मैं खुद में इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ, ठीक है स्टूडेंट्स। मेरे आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ उतना ज़्यादा वीडियोस को शेयर कीजिए। आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक लेनी है और लिंक व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना है, ठीक है। आप वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए। आपके जो भी फ्रेंड्स ऑल ओवर महाराष्ट्र, सिर्फ क्लास 11th नहीं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स ऐसे हो गए जो कहीं पे भी रूरल एरिया में हो गए, बड़े सिटी में हो गए, कहीं पे भी क्लास 9, 10th, 11, 12th, इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में आपके रिलेटिव्स पढ़ते होंगे, आपके फ्रेंड्स पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, आपकी तरफ से ये मेरी अपेक्षा रहेगी, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।